सेट पे कौन क्या करता था, चलो तुम लोगों के पास इशारे रखे हुए, तुम लोग इशारे कर सकते हो, अगर तुम लोगों को लगे मैं खुद ये करता था तो मेरे ऊपर इशारे कर, अपने ऊपर इशारे कर लेना। ओके, किसका मूड पल में बदल जाता है सेट पे? वो पल में तोला, एक, पल एक में हमारे डायरेक्टर साहब हैं निशान भाई। अच्छा, ये निशान भाई के लिए, निशान भाई वो सडनली निशान भाई और उनका काम भी ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी टेंशन प्रोडक्शन से अलग, वो एक्ट्रेस को एक एक को संभालना, पैम्पर करना। ओके, कौन अक्सर सेट पे लेट आता है अक्सर? नहीं, कंपैरेटिवली तुम तीनों के, मुझे लगता है अगर कंपैरिजन करें। हां तुम? अच्छा, मेरे तो कॉल टाइम ये होता है कि जब नवाल आ जाएंगी, हाँ, नवाल मेकअप चेयर पे बैठेंगी तो मुझे फोन करना, तो अब मुझे दोपहर में फोन है या सुबह फोन है, मैं सगुन से होता हूँ। नवाल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी कि सब कोऑर्डिनेशन, और वजाहत हुसैन, हम नाम लेना चाहते हैं हमारे एसोसिएट वजाहत हाशमी, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, उन्होंने हम सबको बहुत संभाल के रखा, बहुत हमें पैम्पर किया, अच्छी थी उनकी 14-14 हमें आके वो भी बातें बता देता था जो एक्टर्स को नहीं बता। 14-15 सीन उसने हमसे करवाने होते थे, हमारा मूड भी देखना है उसने, गर्मी भी देखनी है, एसोसिएट जो होता है, असिस्टेंट जो होता है, उसका बड़ा काम होता है, सबसे पहले वो आता है, सबसे आखिर में वो अपने आप को पॉजिटिव रखता है, और उसको हम कभी कुछ नहीं कह सकते, एक्ट्रेस को भी, डायरेक्टर को भी, सबको जो है एसोसिएट। वजाहत वाज वेरी गुड। अच्छा, किसकी ऑब्जर्वेशन लोगों को लेके हमेशा बड़ी अच्छी होती है? हाँ, ये शहरोस में, हाँ, मैं अक्सर पॉलिटिक्स पे जब डिस्कस करते थे सेट पे, मैंने देखा, हाँ, ये शहरोस के बारे में इसकी भी अच्छी, हाँ, इसकी भी अच्छी। अच्छा, कौन सेट पे हर एक से बातों में लगा रहता है? गपूरा बहुत है, सबसे बड़ा सेट का गपूरा। हम दोनों ने पॉलिटिक्स पे भी बहुत बात की, कम बात, मैं तो बातें ही करता रहता हूँ। अच्छा, वंडरफुल एनर्जी, वो सुबह आते हैं तो लगता है कि सबसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ताकि वो इसलिए क्योंकि पूरा दिन हमने गुजारना होता है, लाइक हम तीनों ने एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली से ज्यादा वक्त उन 50 डेज में गुजारा है, बिल्कुल, मतलब हमने फैमिली को रात को देखा है, ठीक है, वो भी हम जाके सोए हैं, और सुबह उठे, उनके उठने से पहले हम एक दूसरे के पास होते हैं। ओके, हाँ, क्या लिखा है जी मुझे, हाँ, खाने पीने का किसको शौक है सेट पर? खाने पीने का पुलाव, हाँ? अभी खिलाना भी है पुलाव आपने मुझे, तो मुझे भी बहुत शौक है खाने पीने का, मुझे तो बहुत ज्यादा, आई एम अ फूडी, अभी तो मैं डाइट करता हूँ, डाइट आपको पता है, डाइट करता हूँ। पुलाव कब कब खाते हो, कितने कितने महीने? अब जैसे अगर अगर नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरी जो डाइट भी है ना, उसमें मैंने अपने आप को कभी किसी चीज से बिल्कुल वो नहीं किया, कम खाओ, कम खाता हूँ, मेरा फिजिक, इसकी फिजिक वैसी ही लगता नहीं है इसको, मेरा नहीं लगता है, मेरा पोर्शन कम है, मेरा पोर्शन जो है ना, मुझे भूख होगी लेकिन मैं आधी भूख का खाना खाता हूँ, और मैंने बहुत मोटा कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टेंडेंसी यहाँ है, फेस पे आ जाता है। अब जैसे मेरा अभी मैं शॉट देख रहा था, दूसरा वाला ड्रामे का चल रहा था, जैसे कैमरा नीचे जाता है ना, तो फिर नजर आता है कि क्या सीन है, ये लकी है ये चीज, आई नो, अल्हम्दुलिल्लाह, आप दूसरे जावेद शेख बनेंगे कि एवरग्रीन, जावेद मामू की तो क्या बात है, आपके अब्बा भी ऐसे हैं, पापा और जावेद मामू जैसा, बस हम लोग 1% भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, वही तो, ये गाल पीछे देख के मुझे लगा बेरोस से, पापा लग रहा है, हाँ, झलकती है, चलो शुक्र। अच्छा, कौन अपनी चीजें बार बार खोने वाला है इन तीनों में से? मैं क्या करने वाला, बार बार खो देता है नवाल, हाँ, ये आई थिंक आई लूज माय थिंग्स, हाँ, नवाल, एयरपोर्ट्स वगैरह भी, एयरपोर्ट्स याद है, एयरपोर्ट्स रख के भूल जाती हूं, ब्रो नए लेकर आई, ये सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है तुम्हारा? लेकिन नवाल की मेमोरी, हाँ, ओ माय गॉड, बड़े से बड़ा सीन एक बार पढ़ती है और फिर भी चीजें भूल जाती है। मैंने चैलेंज भी किया है, मैंने वजाहत से पूछा है, मैंने कहा वजाहत ऐसा सीन निकालो जो इसने, इसके घर भी नहीं वो सीन गया हो ना, इसने पढ़ा ना, और उसने वो निकाला है, और अब मैंने इसको दिया, मैंने कहा चलो पढ़ते हैं, हमारा सीन है नेक्स्ट, तो इसने पढ़ा है, और एक बार पढ़ा है, कहती चलो स्क्रिप्ट के बगैर करते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं स्क्रिप्ट के बगैर नहीं, क्योंकि मुझे याद करने में थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ये इसकी मेमोरी बहुत, बाकी नवाल क्या रहा है, बादाम खिलाया मम्मी ने बहुत, आई थिंक फोटोग्राफिक है, पता नहीं मुझे भूलता नहीं है। अच्छा, लोगों की ना अलग अलग मेमोरीज होती है, विजन मेमोरी, सुपर पावर है, स्ट्रांग होती है, बहुत है, हाँ, जैसे मैंने शब्बीर जान को देखा था,
उनकी भी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है. वो एक दफा स्क्रिप्ट का पेज देखते थे, फिर दूसरे एक्टर की भी लाइन याद हो जाती है उनको, तो वो यही है कि आप गलत लाइन बोल रहे हो. उनकी भी शब्बीर जान है, पढ़ती हूं मेकअप करते हुए, औरतों की शब्बीर जान है. मैं मेकअप करते हुए देखती हूं स्ट्रिप, मतलब ऐसे बैठ के नहीं पढ़ती हूं. मुझे मैं क्यों तो क्यों याद करती हूं, इस पे ये जवाब है, इसका ये सवाल है, तो वो इजी हो जाता है, तो मुझे फिर नहीं भूलता. अल्लाह का शुक्र है. किसको घर भागने की जल्दी रहती है, हमेशा जल्दी से सीन हो? मुझे नवाल को होती है. क्या करती हो घर जाके, अम्मा अब्बा को टाइम देना? ये नहीं, मुझे होता है कि 10 से ऊपर नहीं करना, मी टाइम चाहिए करना है. अगर 10 to 10 हाँ, 10 बजे तक कुछ नहीं बोलती. हाँ, 10 बजे तक मैं कुछ नहीं बोलती. 10 बजे के बाद मुझे ब्रेक दे दे, आप मुझे बिठा के रखे, पर उसके बाद मुझे सब बुरे लगते, जो कि ठीक है, जो कि एक वर्किंग रोना धोना इतना होता है, इंसान खुद भी थोड़ा सा, खासतौर पर लड़कियां तो पूरी तो होती है. क्योंकि 10 बजे जब वहां से ऑफ होता है, घर जाके मेकअप उतारना, बाल ये वो करते करते दोबारा ही बज जाते हैं यार. फिर सुबह आपको 8 बजे वही. हाँ, सुबह जल्दी वापस आपने आना है, और इन्होंने सबसे जल्दी आना होता है, बिकॉज मेकअप मेकअप लड़की का मेकअप बाल में टाइम ज्यादा लगता है. बनिस्बत हम जो दोनों रेडी आते हैं घर से, बिल्कुल आने के बाद आते हैं हमेशा. इफ यू वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड, सो फॉलो एआईवाई डिजिटल्स यूट्यूब पेज.